अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? और यहाँ तो जैसे आपके देख रहे हैं कि रास्ता नज़र आ रहा है आप लोग को। आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ, आज रात को डायरेक्ट व्लॉग स्टार्ट करा है। तो जी, सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने हैं वो लाइक एंड शेयर करेंगे। तो जी, बस हम यहाँ जा रहे हैं चाले में। आज था छोटी दुल्हन का चाला हमारे यहाँ, तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे। यहाँ पर मैं शीशे के सामने खड़े होकर मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर अपनी बना ली थी। वरना ले लूंगी पायन को बना। भाई 8 बजे का बोला गया था, माशाल्लाह से सामान आ गए। हम आ गए पर और गोलगप्पे नहीं लगे अभी तक। हाँ, खा के ट्राई कर रहे हैं यार। हद हो गई यार, मेरे सामने ज्यादती हो रही है। ज्यादती ना हो। नहीं ऐसे थोड़ी खाऊंगा। अच्छा, बगैर पानी के मजा थोड़ी। हाँ, पानी के साथ मजा आएगा, ये बात तो सही है। भाई को पानी पी दो, पानी भी दे। बना के दे भाई को, सही बोल रहे हो, बना के दे। आया बना के दे दो भाई को। हाँ हाँ, एक में ही करो जो भी करना, प्याली वाली। हाय, बिस्मिल्लाह। नहीं चलो, मजा आया। तो जी, यहाँ जैसे कि आप देख रहे थे, यहाँ पे लगा था गोलगप्पों का स्टॉल। मुमताज भाई ने गोलगप्पों का स्टॉल, बहुत मजा आया। गोलगप्पे खा के ना मज़ा ही आ गया था। बहुत मज़े से सबने खाए, पेट भर के, बिल्कुल बहुत मज़े से खाए, बहुत सारे खाए थे सबने। और यहाँ पे ये छोटे छोटे से सब्सक्राइबर थे हमारे, छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से सब्सक्राइबर थे। और यहाँ पे चल रही थी गोलगप्पा पार्टी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है। तो यहाँ पे गोलगप्पा पार्टी, और ऐसा रश लगा हुआ था ना गोलगप्पे लगते, बस जो सबका रश लगा, फटाफट फटाफट फटाफट। खैर, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया चाले में मुमताज़ भाई के जाके, बहुत मज़ा आया था। और जी, यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों का रश कैसा लगा हुआ है गोलगप्पों के पीछे। ये बच्चे बेचारों को वैसे मिल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मम्मी ससुर खड़े हुए थे ना, वो ज़रा ठेले के पास खड़े थे, सबको वही प्लेटें बना बना के पार्सल आगे करवा रहे थे। और बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, आपको पता ही है हर चीज़ की उनको जल्दी बहुत होती है कि बस पहले हमें मिल जाए। मामू जान ने इसीलिए सबको प्लेटें बना बना के वो खुद ही आगे ट्रांसफ़र कर रहे थे ठेले के पास, वो जाके खड़े हो गए थे कि ताकि किसी को परेशानी ना हो। वरना तो आपको पता ही है बच्चे, ये देखो ये प्लेट में कैसे फटाफट फटाफट रख रहे हैं। तो इसी तरह सबने गोलगप्पे खाएं, खैर सबने चलते फिरते इसी तरह खाएं, और मज़ा भी इसी में ही आता है। बैठे बैठे आपको मिल गया तो फिर किस बात का मज़ा। वो थोड़ा सा जाके लो हल्ला गुल्ला करे बंदा, इसी में मज़ा आता है। और यहाँ लाइबा आते ही मैंने इसको प्लेट बनवा के दी, और यहाँ लाइबा ने आते ही शुरू कर दिए थे गोलगप्पे। और यहाँ मेरे मियाँ जी एक कबाब लेकर आए थे बाजार बाहर से, जो कि बाहर बन रहे थे, तैयारी चल रही थी, उन्होंने ट्राई करे होंगे सर, तो ये अंदर लेकर आए थे मुझे ट्राई करवाने के लिए। और यहाँ पे ये थी फ़िश मसाला लगी हुई, क्योंकि ये अभी फ्राई उस पर ऐसी खूबे लगेगी शायद। हाँ, ये पता नहीं फ्राई हुई थी, नहीं नहीं फ्राई हुई थी, ये फ़िश फ्राई हुई थी। और उसके बाद सारा ये बारबेक्यू आइटम था, ये थी लेग पीस थे, और ये गोला कबाब थे, और क्या था, गोला कबाब थे, लेग पीस थे, फ़िश थी, और मटर पुलाव था, और शलजम का अचार था। ये थोड़े से बना के इन्होंने दिखाए थे गोला कबाब ना, इसी वजह से भी मेरे मियाँ जी अंदर लेकर आए थे ट्राई करवाने के लिए। हालांकि मैं तो गोलगप्पे खा रही थी बैठी हुई, तो मेरे मियाँ जी लाए थे ट्राई करवाने के लिए वहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ट्राई कर लिए थे। अच्छा जी, तो अब आ गई है बारी चाले की रस्म की। पहले मुमताज़ ने बोला पहले हम चाले की रस्म करवा ले रहे थे, उसके बाद खाना लगाएंगे। इतने में बाहर खाना रेडी हो रहा था, तो यहाँ पर मैं, अम्मी और मतलब छोटी दुल्हन की अम्मी, हम तीनों मिलकर सारा सामान निकाल रहे थे चाले का, जो भी रस्म का होता है। ये सिर्फ खेल के लिए होता है, अब मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, बार बार अच्छा लगता है चाले में ना, ये ज़रा खेल शुरू हो जाता है बच्चों का ना,
ये बॉल बनी हुई होती है, फूलों की छड़ियाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हम तो अपने बचपन से भाई यही देखते हैं और अच्छा भी लगता है। चाले में मज़ा इसी तरीके से आता है, वरना क्या चाले का क्या मज़ा, जाओ खाना खाओ और आ जाओ। ये थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाता है, इससे शोर शराब हो जाता है। और यहाँ पे साथ सारे फ्रूट थे, और क्या था, फ्रूट थे, बॉलें बनी हुई थी, फूलों की छड़ियाँ थी, और फूलों का सारा गहना था दुल्हन का। तो यहाँ पे अम्मी ये सब निकाल निकाल के दे रही थी। हम दो ट्रे बना रहे थे, एक दूल्हा के लिए और एक दुल्हन के लिए। पहले जो है दूल्हा फेंकता है दुल्हन के पास, वो कैच करती है, और उसके बाद जो है दुल्हन फेंकती है दूल्हा के पास, फिर वो कैच करते हैं। तो यहाँ पे हम यही पूरी ट्रे हमने पूरी तैयार करी थी। पहले सबसे पहले मैंने छड़ियाँ रखी और फूलों की गेंदे रखी, उसके बाद हमने रखे एप्पल, एप्पल के बाद हमने रखे यहाँ पे बनाना, और ये अम्मी ने इतने सारे रख दिए थे। फिर मैंने बोला अम्मी इतने सारों को क्या करना है, बस चार चार रख दें काफ़ी है। हमने हर चीज़ चार चार रख दी थी ट्रे के अंदर ना, ताकि ये लोग आराम से खेल लें इससे। तो बाकी फ्रूट तो खैर बहुत सारा था, पर हमने सारा नहीं रखा, सारा रख के क्या करते, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे अब मैं और अम्मी और पपी अभी हम लोग सब मिल के रख रहे थे। ये आ गए, अब क्या है किनू, अब आ गए हैं जनाब किनू। किनू के बाद कौन सा फल आएगा, कौन सा फल आएगा, जल्दी लाओ भाई जल्दी लाओ। ओ बेर आ गए अब ये, तो ये बेर आ गए थे। इसके बाद हमने बेर रखे, ये भी चार नहीं ये छः छः रख दिए थे हमने। बेर रखे, बेर के बाद हम रखेंगे क्या, आप ही निकाल रही हैं, अमरूद। हाँ अमरूद आए, और ये गर्मा था, ये था गर्मा। ये आ गया पपीता, गर्मा और पपीता सारे फ्रूट थे। मैं हाल में सात रंग के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सातवें अमरूद, हाँ सात तरीके के फल होते हैं। तो इसी तरीके से शाजिब भी ये सब बनवा के लेकर आए थे, और ये लोग लेके गए थे वहाँ पे टोकरा पूरा फ्रूटों का। ये आ गया सातवां फल, आप देख सकते हैं पूरे सात फल हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये आ गया फूलों का गहना, दूल्हा दुल्हन का कंठा, और दुल्हन का जो पूरा गहना होता है, जैसा कि आपको पता ही है, बालों की कलियाँ होती हैं, बालियाँ होती हैं, अंगूठी होती है, कंगन होते हैं, यही सब कुछ होता है दुल्हन का। तो दुल्हन का माशाल्लाह कितना सारा सामान होता है ना, तो भाई सजना संवरना तो काम ही लड़कियों का है ना, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो बहुत सारा हो गई। पर आप लोगों को देख के माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहना है, अल्लाह पाक इन लोगों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक इनको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन, और इन लोगों की ज़िंदगी इसी तरह खुश रहे। तो यहाँ पे ये मैंने रख दिया है बालों का, आ गया था, अब मैंने यहाँ पे ये बालों का भी रख दिया है यहाँ पे। ये भी एक काम होता है सारा लगाना, और मैं अपने घर में ये सब देखती भी आई, तो इस वजह से मुझे सब पता है। हालांकि मेरी शादी तो मेरी ससुराल में सबसे एंड में हुई है, तो मैंने यहाँ पे अपने ससुराल में इनके बहन भाइयों की तो शादियाँ देखी ही नहीं है, मैंने अपनियाँ तो बहुत सारी शादियाँ देखी हुई हैं, तो इस वजह से मुझे ये सब कुछ पता था कि इस तरीके से ये होता है। क्योंकि मेरी शादी सबसे एंड में हुई थी ना, तो इस वजह से मुझे इन सब का तो पता ही नहीं था। इनके इनकी बहनों की शादी हुई होगी, और देवर की शादी हुई थी, वो भी मेरी शादी से पहले हो गई थी, तो इस वजह से वो भी नहीं रहेगी। और ये आ गए दुल्हन के मामू, हमने इन्हीं से उठवाया था, ज़रा सा सिर्फ ऐसे ही तंग करने के लिए हमने इन्हीं से उठवाया था ये। तो यहाँ पे हम आ गए थे अंदर, और यहाँ पे मैंने कर दिए फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी थी, इस वजह से पहले अब्दुलरहमान ने कंठा पहना, फिर उसके बाद दुल्हन ने कंठा पहना, और उसके बाद ये सारा फूलों का गहना है जो अब्दुलरहमान पहना रहे हैं अपनी बेगम साहिबा को। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र से बचाए, तो बहुत प्यारी लग रही थी खैर ये। और माशाल्लाह से रूप भी बहुत आया है इसके ऊपर भी, और खैर अब्दुलरहमान पर भी बहुत रूप आया। तो यहाँ पर हम पहले तो अपनी दुल्हन को कर रहे थे तैयार सारे फूलों के गहने से, और उसके बाद ये फ्रूट का काम शुरू होगा, और सबसे एंड में जो है फूलों की छड़ियों के साथ खेला जाएगा और बॉल के साथ। तो पहले तो जो है ना ये हम फूलों का गहना पहले पहना दें दुल्हन को, उसके बाद खेल। की बात तो निधि जूते छुपाए तेज मारूंगा भाई बच्ची का बड़ा बोल बेटा अभी जूते भी लेने कोई बात नहीं हटा ले भाई हाथ इसमें अब इसको रोक के थोड़ी सी फेस के तो जी यहाँ पे जो है चौथी की रस्म जो वो तो हो गई थी कंप्लीट, और यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हल्ला गुल्ला कर रहे थे। और इसके बाद हम चलते हैं आगे।
पानी की बोतल तो दो एक। हाँ ब्लॉग में आएगा जो भी तुम्हारा। हाँ भाई, और इनका नाम लेके बनाओ, ये कौन है? कौन है आप? डेली जायका। डेली जायका, अपना नंबर बता दें। 0300 230 60 13 कलाम भाई। कलाम भाई जायका पकवान एंड बारबेक्यू। ये देखो ऊपर जा, लाओ बेटा, ला दूं लगाओ मैं भी लूं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने देख लिया पीछे जो सारा खाना वाना पक रहा था, उन्होंने अपना नाम फ़ोन नंबर वगैरह सब बताया था। जिसको भी पकवाना हो उनसे ज़रूर रब्ता करिएगा। बहुत बहुत मज़े का खाना था, बहुत ही मज़े का खाना था। ये तो मुमताज़ा ने बहुत अच्छा करा कि कोई सालन रोटी इस तरीके की चीज़ नहीं रखी, क्योंकि शादी में सारे खाने यही खाएं। आज का खाना बहुत पसंद आया, खाने में था बारबेक्यू, था फिश, थी कबाब, और क्या कहते हैं मटर पुलाव, और साथ में शलजम का अचार। शलजम का अचार और मटर पुलाव खा के तो मज़ा ही आ गया था। आज बहुत गला ख़राब करने वाले काम करें हम सब ने। खूब हम सब ने खाना भी खाया, पहले तो गोलगप्पे खा लिए, नंबर वन गला उससे थोड़ा सा ख़राब हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने शलजम का अचार खाया, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी मुमताज़ भाई ने रखी हुई थी, तो कोल्ड ड्रिंक भी हम लोगों ने पी। तो बस, तो फिर भाई गला तो फिर ख़राब होना ही था ना। मेरा भी कल से काफ़ी गला ख़राब होना शुरू हो गया, और मियाँ जी को तो खैर बुखार ही चढ़ गया, उनको नज़ला और खांसी तो हो ही रही थी। यहाँ पे कबाब भी बहुत बहुत मज़े के थे, खाना बहुत टेस्टी था, इन लोगों का खाना यानी बहुत अच्छा था। तो कभी किसी को अगर कुछ बनवाना हो तो इनसे ज़रूर रब्ता करिएगा। और ये मीठा भी बहुत मज़े का था, इसमें इतनी बर्फ़ जमी हुई थी, इतनी मुश्किलों से तोड़ तोड़ के खाया है, वो फ्रिज में रख के भूल गए थे मुमताज़ भाई, काफ़ी एंड में निकाल के ले गए, उनको बाद में याद आया। तो यहाँ पे हम मीठा भी इंजॉय कर रहे हैं, और मीठा इंजॉय करने के बाद ये आ गए थे हम कमरे के अंदर। तो दुल्हन की जो अम्मी थी ना, वो इनको सामान दे रही थी, ये शायद हाथ की बाई थी मेरे ख्याल में, तो हाँ शायद वही थी। और ये अब्दुलरहमान के बटन थे, और इन दोनों के सूट थे जो कि दुल्हन की अम्मी ने दिए थे इन लोगों को। अब ये चल रहा था, और इसके बाद ये देने के बाद बारी आ गई थी जूते की, क्योंकि अब्दुलरहमान का जूता इन लोगों ने आते ही छुपा लिया था, अब्दुलरहमान को पता ही नहीं लगा, तब जाने का टाइम था, और यहाँ पे चल रही थी जूता लेने की बारी। ये देखो अब्दुल रहमान लिखा हुआ है इस पे, ठीक है? ये रहा, ये अब्दुल रहमान। तो जी यहाँ तो एक घंटा गुजर गया था, और इन लोगों की बहस चली रही थी। फिर आखिरकार इन लोगों ने महविश को बहुत तंग करा, तीन ऑप्शन दे दिए कि लिफाफा लोगी, चेक लोगी, या ये कैश लोगी।
अब वो बेचारी इतना फंस गई, इतनी परेशान हुई है, मैं क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, बहुत तंग कर रहे हैं सबने मिलके उसको बेचारी को। वो जूता लेके तो गड़ी हो गई, पर सबने मिलके जो उस बच्ची को तंग कर रहा है ना, परेशानी हो गई थी, वो कंफ्यूज हो गई थी बकायदा कि मैं क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। तो बहरहाल फिर आखिरकार पता नहीं इसने क्या लिया, हाँ लिफाफा ले लिया था, फिर एनवेलप इसने ले लिया था। अब्दुलरहमान ने बहुत बहस करी, और ये मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मेरी हर वीडियो देखती है, इनके अम्मी ने मुझे बताया कि ये आपकी हर वीडियो देखती है और सबसे पहले देखती है, तो ये हमारी छोटी मुन्नी सी सब्सक्राइबर हैं ये। तो इसको पता था मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसीलिए सामने आई थी, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी थोड़ी सी वीडियो ले लेती हूँ, ताकि ये जो है ना मुझे अपने आप को देख भी ले वीडियो में। और अगर आप मेरी वॉइस सुन रही हो तो आपने लाइक कॉमेंट और शेयर लाजमी लाजमी करना है, ठीक है ना बेटा। इसका नाम मैं भूल गई, नाम भूल गई मैं, देखा अभी वॉइस ओवर करते हुए मैं नाम भूल गई, हालांकि मुझे याद था इसका नाम, पर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया इस बच्ची का नाम। तो चलो जी, यहाँ पे जूतों का मामला तो निमटता है। अच्छा जी, तो हम वहाँ से निकल चुके थे, और ये है आप देख रहे हैं, और इस पुल पे मैं पहली बार चढ़ी थी, मुझे बहुत मज़ा आया था इस पुल पे जा के। तो बस जी, हमारा व्लॉग इतना सही था, छोटा मोटा जैसा भी था, हमारी फैमिली को देख के ज़रूर माशाल्लाह माशाल्लाह कीजिएगा, और जो है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी लाजमी करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए और मेरे मियाँ जी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, उनको बुखार हुआ हुआ, उनकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, एक हफ़्ता होने वाला है अब तो, और ये दवाई लेके नहीं आ रहा, अभी इंशाल्लाह मैं इनको दवाई दिलाने ज़रूर जाऊँगी, आज तो लाजमी लेके जाऊँगी इनको दवाई दिलाने। पर इस रोड की मैंने वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि मुझे ये पुल बहुत बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने इस पुल की वीडियो थोड़ी सी बना ली थी। और रात का टाइम था, हम लोग थे बस गाड़ी में, ये थे, मैं थी, अम्मी थी और उज़ैर था, बस हम चारों ही थे गाड़ी के अंदर। तो बस जी, आज का व्लॉग इतना ही था, अल्लाह हाफिज़ जी, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।